स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। RSM SSB राजस्थान लैब टेक्नीशियन पर रेडियोग्राफर की नई भर्ती को लेकर आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, और इसमें दोस्तों कुछ पद ANM के भी रहने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RSM लैब टेक्नीशियन पर रेडियोग्राफर भर्ती के बारे में, क्योंकि ये भर्ती राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। जबकि दोस्तों ANM की भर्ती को लेकर अभी बोर्ड कौन सा बोर्ड करवाएगा इसका लेकर अभी दोस्तों कोई भी नियम नहीं जारी किए गए हैं। कब से ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, इसमें क्या पोस्ट रह सकती हैं और परीक्षा तिथि, योग्यता और उम्र सीमा के बारे में बात करेंगे, तो राजस्थान की एक और नई वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जिसमें लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर की भर्ती रहने वाली है। मेडिकल विभाग की भर्ती हैं, लेकिन इन भर्तियों को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ANM के तो आपके 1115, तो इनको हम नहीं यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन के 900 व रेडियोग्राफर के 800 पदों पर होंगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों आपकी जो भर्ती हैं आपकी केरल महाराष्ट्र में केंद्र तक बना दी गए हैं, यहाँ नियम ही नहीं बने। तो केरल महाराष्ट्र में इसके केंद्र भी बन गए हैं, लेकिन अभी राजस्थान में नियम नहीं बने हैं। विभाग की देरी से बच्चों को नुकसान हो रहा है दोस्तों। 10 साल में 4 बार ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, रेडियोग्राफर की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, वो 4 बार आई हैं। 2013 में आई है, 2016 में, 18 में और 20 में, जिसमें कि दोस्तों लगभग बराबर ही पद रहते हैं दोनों के। इस बार भी लगभग बराबर ही हैं, 100 पद का अंतर है। तो सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ANM के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। चिकित्सा विभाग ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन 900, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 800 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। अब लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पदों पर 5 ही बार भर्ती होगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने चिकित्सा विभाग के निदेशक अराज पार्थ सुरेश नवल से मिलकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इस बारे में चयन बोर्ड की तरफ से यह हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि जैसे ही अभ्यर्थना मिलेगी हम उसका परीक्षण कराएंगे। फिलहाल कैलेंडर के हिसाब से 15 अगस्त के बाद ही आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यानी कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो आपकी जो प्रक्रिया है वो 15 अगस्त के बाद ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि अभी कैलेंडर फिक्स है, सभी एग्जाम फिक्स हैं दोस्तों, वो समय पर ही होंगी। और 15 अगस्त के बाद शायद दोस्तों रेडियोग्राफर भर्ती की एग्जाम डेट जो है घोषित कर दी जाएगी। इसमें आपके 800 पद आपके दोस्तों रेडियोग्राफर के प्लस 900 लैब टेक्नीशियन, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 1700 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जो अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। हालांकि पिछली भर्तियों की अपेक्षा पद कम हैं, वरना आप सभी भर्तियों में देखोगे दोस्तों तो 1000 1000 1000 से ऊपर आपके जो है पद रहे हैं। और 2018 में लैब टेक्नीशियन का एक भी पद नहीं आया था, लेकिन रेडियोग्राफर की हर बार दोस्तों 1000 से ज़्यादा पद रहे, लेकिन इस बार रेडियोग्राफर के मात्र 800 ही पद हैं। उपेन्द्र यादव ने मांग की है कि इनको दोस्तों बढ़ाया जाए। और रेडियोग्राफर की जो एग्जाम की बात करूं दोस्तों, तो एग्जाम इसी साल हो सकती है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आता है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं, इसमें ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं। और अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल अगर पदों की देखी जाए तो रेडियोग्राफर के 2800 पद खाली हैं, और लैब टेक्नीशियन की अगर देखी जाए तो लैब टेक्नीशियन के भी 5800 पद यहाँ पर दोस्तों खाली बचे हुए हैं। तो इनमें से मात्र 1700 पदों पर ही भर्ती हो रही है। उपेन्द्र यादव का कहना है कि वो मांग कर रहे हैं कि और पद बढ़ जाए, और लेकिन अभी दोस्तों देखना होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या मेडिकल विभाग इसको लेकर क्या अपडेट देता है। तो नई भर्ती एक और दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जून जुलाई में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और परीक्षा तिथि आपकी दोस्तों 15 अगस्त के बाद ही रहेगी। योग्यता इसमें दोस्तों जो आपके सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है, उसको लेकर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि लैब टेक्नीशियन में कौन कौन छात्र आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा वही रहेगी, 18 से 38 वर्ष। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।